हम चल पड़े हैं भाई, ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। भाई ने बैग रख दिया है और वे लेके जान लग रहा है। कश्मीर की सड़कों पे घूम रहे हैं हम, जगह जोन सी जाएंगे जहाँ फिर बताऊंगा आप लोगों को। भाई कश्मीर में एंट्री होते ही सबसे पहले लाल लाल चौक की तरफ जा रहे हैं हम। वही लाल चौक जो भी इलेक्शन में सुना होगा, लाल चौक पे झंडा हम फहराएंगे। अब आएगा। अच्छा, व्यू आएगा। ये है झेलम रिवर, सुना हो ना? हाँ, ये झेलम के ऊपर ही है। ये पूरे मतलब है ना, श्रीनगर को कवर कर रही है ऐसे घूम घूम के। जब शंकराचार्य चलेंगे ना, वहां से दिखेगी हमें ये पूरी। अच्छा। क्योंकि शंकराचार्य टॉप पे है। दिन में दिखेगी या देखा नहीं? अगर रात में नहीं दी, दिन में ही, क्योंकि शाम को तो शंकराचार्य मतलब एंट्री नहीं है ना वहाँ। अच्छा, मेरे लेफ्ट में है झेलम रिवर। हाँ, ये ठीक। ये बात तो है। हाँ, जब साइड में नहीं, तेरे राइट मारा था सुधीर। ये भाई लेफ्ट में लाल चौक, राइट में मुगल गार्डन, और हम चल पड़े अभी लाल चौक की तरफ। ये भाई पोलो व्यू मार्केट। भाई कश्मीर की बहुत महंगी मार्केट है, हर एक ब्रांड हर एक दुकान है। अभी तो लेट हो रहे हैं हम, तो दुकानें बंद हैं, ज़्यादा चमक दमक नहीं है। दिन में आएंगे जब दिखाएंगे आपको। फिर भी वो डेली आते हैं। ये भी अपना लाल चौक रखती थी, मैंने बोल उसको चक्कू दे रखा था। ये देखो भीड़ मकर, ज्यादा सुर्खी हमरा हुआ भाई। अभी लाल चौक नटराज के जो होते हैं, तिरंगा कहाँ रहे हैं? तिरंगा बताओ कि तिरंगा अब हर जंग है। इसके ऊपर नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं है। हाँ, आ जाएंगे। ये देखो वो कितना बड़ा नान, या सारा खा जाए अकेली, खा ले रे सारा। गाय जी ने नया काम सीख लिया, अभी ये नान बनाने लग गई। देखो कैसे तोड़ रही है इसको। भाई डिनर कर रहे हैं साथ में, और ये अपना आतंकवादी भाई, इसका इंट्रोडक्शन मैंने अभी तक दे नहीं लिया। ये अपना गाइड है, मित्र है, दोस्त यार भाई, बचपन का दोस्त है मेरा, एक साथ स्कूलिंग की हुई है हमने। भाई कई साल इकट्ठे पढ़ रहे हैं हम, अब नौकरी नाकरी लग के इधर उधर हो गए। इधर उधर क्या हो गया, अभी साथ में ही बैठे हैं। पहले घुमाना मिला करते, कश्मीर में मिल रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और भाई हम नाश्ता वास्ता करके चल पड़े हैं भाई घूमने। कहाँ चल रही है? हम जा रहे हैं आज सोनमर्ग। सोनमर्ग जा रहे हैं भाई। और ये मैडम का लुक देखो, हाथ में गर्म पानी की बोतल। भाई बहुत अंत ठंड है जो कहा है। अभी हम गाड़ी के पास जा रहे हैं, गाड़ी वाला हमारा वेट कर रहा है। हाँ, माइनस तीन चार टेम्परेचर है भाई, बहुत ठंड अंत वाली। गाइस ये हमारी गाड़ी है, हम इसमें जाएंगे। और ये ड्राइवर भाई साहब, और ये अपनी मैडम जी।
गाइस हम आ चुके हैं खीर भवानी मंदिर, और भाई देखो यहाँ कितनी सिक्योरिटी है। ये मेरी सिक्योरिटी है, ये पीछे मिलिट्री दिख रही भाई। इसका रीज़न ये है, ये भाई हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे कश्मीर में, तो इस वजह से काफ़ी सिक्योरिटी है। चलो भी अंदर चलते हैं मंदिर के। ये भाई मंदिर की तरफ जाने का रास्ता, यहाँ पर सबसे पहले हमारा चेक इन किया इन्होंने, आईडी वगैरह देखी भाई, मोबाइल नंबर वगैरह लिया है, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। भाई कितना कोहरा है देखो, धुंध, और धुंध में भी नहीं रुक रही है छोरी, ठंडा तो करा रहती भाई। बहुत फौज है यहाँ पे, बहुत फौज, सैल्यूट है आर्मी मैन को। ऐसे ही नहीं भाई, वर्दी की नौकरी होती, अपने जज्बात पिघला कर रहना पड़ता है। धर्मार्थ ट्रस्ट माता खीर भवानी जी टेंपल, हम आ गए भाई मंदिर में अभी। अब जूते निकालने पड़ेंगे भाई, अलाउड नहीं है ऐसे, मंदिर है अपना पवित्र जगह। हम आ गए अभी मंदिर के अंदर, और मैडम देखो ठंड में कैसे ठीक हो रही है। अच्छा इतने भी ठंड नहीं है जितनी कह रहे हो इतनी है ठंड तो। ये भाई मंदिर के अंदर का नज़ारा, बहुत पुराना मंदिर है भाई, ये बहुत पुराना हिंदुओं का मंदिर। कश्मीर में ज़्यादातर आप देख रहे होगे भाई मुस्लिम धर्म की ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हिंदू धर्म का मंदिर है ये, तो इसीलिए ज़्यादा फेमस है ये। अगर आप सोनमर्ग की तरफ जा रहे हो तो भाई पहले यहाँ आ सकते हो, नज़दीक ही है बिल्कुल, तो दो चीज़ें कवर हो जाएंगी, खीर भवानी मंदिर भी और सोनमर्ग। किधर से रास्ता? गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है, हाँ ये मंदिर है, सभी चलो गाइस बाहर चल के दिखाते हैं आपको, फोर्स बहुत ज्यादा है ये बाहर, फौजियों की गाड़ी भाई। नो स्मोकिंग इनसाइड द टेंपल। भाई बिल्कुल उबाने हम, देखियो जुराब जुराब है, तो ठंड बहुत है, बिल्कुल दिख रहा है ना आपका, कोहरा ही कोहरा भाई, बिल्कुल भाई। पूरे बड़े बड़े पेड़ है मंदिर में देखो, गाइस इस मंदिर का नाम खीर भवानी है, तो यहाँ पर जो है ना खीर का प्रसाद मिलता भाई, और मैडम तो अपना निपटा के बैठ गई। देखो बाहर बहुत ठंड थी, मंदिर वालों ने कहा कि भाई आप अंदर बैठ जाओ, ज़्यादा ठंड लग रही है, तो इसके पैर सुन हो रहे हैं बिल्कुल, तो अंदर बिठा दिए मंदिर वालों ने। बहुत बड़ी आदमी है भाई, ये देखो अंदर ही बैठे हम, ये प्रसाद था यहाँ, हमने प्रसाद खाया है, ये प्रसाद है भाई, और यहाँ पे ठुट्टी यहाँ पे धो लेते हैं हम, ला दे
बहुत ठंड है भाई, ये देखो भाई और भी लोग आ गए। भाई अभी आप लोगों को एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं, अभी पता लगा था, एक सेवादार था यहाँ पे, उसने बताया है कि भाई ये जो माता जी है ना यहाँ पे, ये श्रीलंका से आए थे और इस मंदिर वाली जो जगह बना रखी है यहाँ पे इनको भूख लगी थी तो हनुमान जी ने इनको खीर का प्रसाद खिलाया था, मतलब खीर खिलाई थी, माता जी ने बोला था कि कुछ खिलाओ तो हनुमान ने खिलाई थी भाई, और इसी जगह पे बैठ के खिलाई थी, तो यहीं पे मंदिर बना दिया, यहाँ पे खीर का प्रसाद मिलता है, और नाम भी लिखा हुआ है माँ भवानी खीर भवानी, हाँ माता खीर भवानी। मंदिर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, एग्जिट देखो इधर, वेलकम टू डिवोटीज वेलकम। ये देखो भाई बाहर कितनी सिक्योरिटी है, और हो भी क्यों ना भाई, लोहे का जाल बिछा रखा है, ये देखो भाई वायरिंग बिल्कुल, पुलिस फौज सब है यहाँ। चल चलेंगे, मैडम को तो भाई गाड़ी पसंद आ गई फौज की। सिंधु नदी भाई, पहाड़ देखो, मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा नगर था, शहर ही था ना नगर।